हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इमरान खान इन जेल रोस्ट। चलो, इमरान खान अरेस्ट रोस्ट, पाकिस्तान पॉलिटिकल क्राइसिस। तो अगर उसको जेल में कर दिया है तो जब इलेक्शंस होंगे तो इमरान खान तो खड़ा ही नहीं हो सकता होगा इलेक्शन में, जहां तक मेरी समझ आ रही है भाई। मतलब उनका पर्पस तो यही था जेल में डालने का, यही होगा, यही रीजन है कि डालो। अगर वो खड़ा होता, इनको डर था वो जीत जाएगा। और इन्होंने कह रहे ना, कहां हमने सुना था कि कोई और जो है वो क्या बोलते हैं, स्टैंड बाई टाइप का जो है प्राइम मिनिस्टर बनाया हुआ है किसी को, जिसका नाम भी नहीं सुना ना कभी हमको पता भी था कौन है ये बंदा, उसको बना दिया है। वो नहीं समझ रहा उसको, हाँ उसको क्यों बनाया, ये शहबाज शरीफ को क्यों नहीं रखा, उसको हटा के इसको केयर टेकर बना दिया। जो जो इलेक्शन में लड़ रहा है वो तो बन नहीं सकता ना, केयर टेकर गवर्नमेंट आई है। अच्छा, और जो जो लोग इलेक्शंस में जाएंगे वो अपना इलेक्शन कैंपेन करिए, देखेंगे। अच्छा, तो मतलब जो अभी केयर टेकर वाला बना है वो नहीं इलेक्शन में खड़ा होगा? नहीं, वो तो बस केयर टेक कर रहा है। अच्छा, औरों के लिए जो आपस में, मुझे लगा शायद वो भी खड़ा होगा और उसको बना देंगे ये। दैट गाय इज ओनली लुकिंग प्लेस की टेक केयर कर रहा है कि तब तक आप लोग इलेक्शन लड़िए और जो जीतेगा उसको मिल जाए। मुझे लगा था आर्मी वालों की चाल है कि इसको बनाना है तो अभी केयर टेकर करके इसको सीधा पावर में लाके फिर ये हमारी कठपुतली बनेगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। रोस्ट करने के लिए तैयार हो जाओ, हंसने के लिए तैयार हो जाओ। राना सुनाउल्ला, तुम्हें मूंछों से पकड़ के जेल में लेके जाऊंगा। इमरान खान के जेल में पहुंचते ही राना सुनाउल्ला, निकाल मूंछ मेरी अब। मुझे याद नहीं। अबे निकाल निकाल, मैं कहता हूँ मूंछ निकाल। खत्म। पहले महीनों भर से चले आ रहे राजनीतिक चुतियापों के बीच आखिरकार कटोरा खान को जेल में ठूस ही दिया गया। और जैसे ही कटोरा खान की जेल में खातिरदारी शुरू हुई, कटोरा खान ने बकचोदी भी बहुत फैलाई हुई थी। बंदर रोज सीना ठोक ठोक के दूसरी पार्टी के नेताओं को चैलेंज दिया करता था। मैं आज कह रहा हूँ कि इनको तकलीफ पहुँचाऊंगा, इनको रुलाऊंगा मैं। और कटोरा खान की किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि जो बंदर दूसरों को रुलाने की बात करता था, आज वो और उसकी पार्टी के नेता खुद रोते फिर रहे। कोई कुछ हुआ ही नहीं जब उसको जेल में डाला है, कुछ भी नहीं हुआ। भाई कटोरा खान की बकचोदियों की वजह से मौजूदा सरकार ने उसकी पार्टी के नेताओं का वो हाल कर दिया है कि इमरान खान पार्टी के नेता जेल से ढंग से बाहर निकल नहीं पाते। कि सेनेटर एजाज चौधरी को दोबारा हिरासत में ले लिया गया। तहरीक इंसाफ की रहनुमा शीरी मजारी को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। शाह महमूद कुरैशी को अडियाला जेल से रिहाई के बाद दोबारा हिरासत में ले लिया गया है। मनीका बुखारी को रिहा होते ही दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। तो सांस लेने दे। और इमरान खान पार्टी के नेता, उनकी तो भाई अलग ही कार्टून बाजी चल रही है। बंदी गिरफ्तारी से बचने के लिए सड़कों पर लौटते फिर रहे हैं। पीटीआई के साबिक रुकने कौमी असेंबली डॉक्टर रियाज की रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी। डॉक्टर रियाज गिरफ्तारी से बचने के लिए सड़क पर लेट गए। ये तो मुद्दे लगा सारा। इमरान खान पार्टी का बकलोल नेता हलवाई फवाद चौधरी, उसको गिरफ्तार करने के लिए तो ऐसी ऐसी FIR काटी गई कि आप सोच भी नहीं सकते। तो फवाद चौधरी के खिलाफ पंजाब पुलिस ने रिपोर्ट लाहौर हाईकोर्ट में जमा करा दी। फवाद चौधरी वॉशरूम की टूटी और पाइप चोरी की FIR में भी नामजद है, जबकि फवाद चौधरी पर बिजली की वायरिंग चोरी करने का भी इल्जाम क्या गया है। ब्यूटीफुल। मतलब बंदे को गिरफ्तार करने के लिए कुछ नहीं मिला तो पाइप टोटी वायर चोरी के इल्जाम में ही FIR करवा डाली। और जैसे ही पाक पुलिस फवाद चौधरी को गिरफ्तार करने पहुंची, रन था जो कल तक कहता फिर रहा था सबसे पहली गिरफ्तारी मैं दूंगा। क्यों भाई पेटू, क्या हुआ? हवा निकल गई भाई। मौजूदा सरकार ने इमरान खान और उसकी पार्टी के नेताओं का वो हाल कर दिया है कि बंदे एक के बाद एक पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं। अब्दुल रजाक खान ने PTI छोड़ने का ऐलान कर दिया है। PTI रहनुमा आमिर महमूद कयानी का सियासत छोड़ने का फैसला। PTI MPA बिलाल अहमद गफ्फार का भी पार्टी छोड़ने का फैसला। एक के बाद एक रहनुमा का PTI छोड़ने का ऐलान। भाई आज स्थिति ये हो गई है कि इमरान खान पार्टी के आधे से ज्यादा नेता पार्टी छोड़कर जा चुके हैं, और जो कुछ बंदे बचे हैं तो वो इसलिए ताकि समय आने पर वो कटोरा खान को कंधा दे सके। क्योंकि कटोरा खान की जेल में वो हालत कर दी गई है कि बंदा जेल में फर्स्ट क्लास सुविधाओं के लिए छटपटाता फिर रहा है और जेलर से डिमांड कर रहा है, खाना घर से मंगवाऊंगा, खाना अच्छा नहीं है जेल का, एयर कंडीशन लगा दो जेल में, टीवी चाहिए जेल में। लेकिन सहवाज सरकार वो कटोरा खान को अपनी बीवी नहीं देखने दे रहे, तो टीवी का खाक
देखने देंगे? और भाई देखने दे भी क्यों? कटोरा खाने के अपोजिशन का कम जीना हराम किया हुआ था बंदा, आए दिन रोज मुंह उठाकर। मैं इनको एक एक को जेलों में डालूंगा। अच्छा, और वक्त का पहिया अब ऐसा घूमा कि जो बंदा दूसरों को जेल में डालने की बात किया करता था वो आज खुद जेल में पड़ा। काफी टाइम से है, कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। लेकिन अब सवाल उठता है, खाने इतनी बकचोदी कर कैसे लेता है? तो भाई इसका जवाब है, इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक इसमें टॉक्सिक चीजें जिनमें शराब और कोकेन का बेदरेग इस्तेमाल। ये आपका वजीर आजम था भाई। कटोरा खान चरस दारू सुल्पा भांग भसूड़ा का इतना तगड़ा शौकीन है कि बंदा बिना इन पदार्थों के सेवन के एक दिन नहीं रह सकता। अब आप खुद सोचो बंदा जेल में कैसे काट रहा होगा। कैसे? अबे वही तो सोचना है। निकाला में पिया करता था, कैसा में भी पी लेने दो। ये हालत सिर्फ कटोरा खान की नहीं है, इसके समर्थकों की भी यही हालत है। उधर इमरान खान चरस फूक कर स्टेज पर भाषण दे रहा होता है और दूसरी तरफ इसके भाषण सुनने आए इसके समर्थक। मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा? उन्होंने ये कहा, चरसी कभी न मरसी। और यही वजह है इमरान खान समर्थक अपने मालिक के एक इशारे पर पूरा मुल्क फूकने को तैयार हो जाते हैं। उधर कटोरा खान ने एक इशारा किया, ये खौफ के बुत को तोड़ दो। पाकिस्तानियों, जो रुकावट आपके सामने, रुकावटें हटाओ, कंटेनर हटाओ, पुलिस अगर खड़ी है पुलिस को आगे से हटा दो। और जैसे ही इमरान खान समर्थकों को अपने मालिक का इशारा मिला, आज तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, अब कहीं है सब को छोड़ दो, नहीं तो खुदा की कसम पूरा पाकिस्तान को जाम कर देंगे। और यही तो हुआ कुछ महीनों पहले, इमरान खान के एक इशारे पर पूरे मुल्क को कब्रिस्तान बना दिया गया था। इमरान खान समर्थकों ने ऐसी कोई जगह इमारत नहीं छोड़ी होगी जिसमें तबाही न मचाई हो। पीटीआई के मुश्तिल कारकुनों ने पेशावर में इलेक्शन कमीशन दफ्तर पर हमला किया है। पीटीआई के शरपसंदों ने रेडियो पाकिस्तान पेशावर की इमारत पर हमला कर दिया है। पीटीआई के कारकुनान ने फ्रंटियर कोर स्कूल एंड कॉलेज पर धावा बोलकर उसको तबाह कर दिया। पेशावर में पीटीआई के मुश्तिल कारकुनान ने मीडिया वर्कर्स पर हमला कर दिया है। जब कटोरा खान समर्थकों का इतने से भी मन नहीं भरा तो आर्मी हाउस की बिल्डिंग में पहुंच गए और जो बंदों ने वहाँ लूट मार तो कुछ नहीं कर रहे, मंजर देखने लायक था। भी देखा ये वीडियो, कोल्ड ड्रिंक, नूडल, स्ट्रॉबेरी, केचप, जो हाथ लगा सब चुरा ले गए। तो भाई तब हो गई जब इमरान खान समर्थक आर्मी हाउस से तोप ही निकाल लाए। ये नहीं पता था कि तोप कटोरा खान की हराम जादगी पहले बंदा अपने समर्थकों को मुल्क फूकने के लिए उकसाता फिरता है और जब इसके समर्थक पूरा मुल्क फूक देते हैं तो बंदे का अपने और अपने समर्थकों के बचाव में कहना होता है। भाई ये था कटोरा खान का पूरा अमन एहतजाज, जो पोल की पाक आर्मी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते थे वो तक पाक आर्मी को पेलने पर उतर आए। लेकिन कटोरा खान की माने तो पार्टी ने 27 साल कभी किसी किस्म का इंतजार नहीं किया। और उधर कटोरा खान की बकचोदी सुनने के बाद पाक आर्मी के मेरे को ये ना समझाई गया, जब पाक आर्मी ने कटोरा खान समर्थकों को रडार पर लेना शुरू किया। भाई पाक आर्मी ने कटोरा खान समर्थकों के जहन में आज इस कदर खौफ भर दिया है कि कल तक जो समर्थक इमरान खान के सपोर्ट में मरने मारने को तैयार रहते थे आज उनमें से एक समर्थक भी इमरान खान के सपोर्ट में सड़कों पर नजर नहीं आ रहा। अजीम लीडर गिरफ्तार हो गया और यहाँ पर एक भी कारकुन मौजूद नहीं है। और जो कुछ लोग इमरान खान के समर्थन में सड़कों पर नजर भी आए तो पाक पुलिस को देखते ही वो लोग एक तरफ पाकिस्तान तरीके इंसाफ कारकुन, दूसरी जानिब पुलिस। लो जी अब देखते हैं क्या बनता है, आइए देखते हैं। मजा आएगा, पुलिस आ गई अभी। क्या गुंडा बनेगा रे तू भाई। कुल मिलाकर देखा जाए तो इन दिनों पाकिस्तान में सिर्फ दो ही नारे हैं, पहला पाकिस्तान जिंदाबाद और दूसरा पाकिस्तान से जिंदाबाद। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। एंडिंग वाली मजेदार थी वो, हमने पता है एक और वीडियो की है, पाकिस्तान जिंदाबाद के बदले था पाकिस्तान से जिंदाबाद। वही तो कह रही, एंडिंग मजेदार थी। और यार एक और हमने वीडियो की है इसी पाकिस्तान के रोस्ट से रिलेटेड, वो थी दुबई से रिलेटेड जो हुआ है, वो भी इंडियन अमेरिकन व्लॉगर में होगी यार, उसको तो देखो, वो भी इतनी मजेदार थी। मैं तो इतनी शॉक्ड हूँ कि उसमें आप लोग जाके देखे क्यों नहीं, वो तो इतनी मजेदार, उसकी भी एंडिंग बड़ी मजेदार थी यार। उसमें एक अफ्रीकन जो है वो पाकिस्तान को रोस्ट करता है और क्या मजेदार रोस्ट करता है। आई एम अमेज्ड कि किसी ने जाके उसको इतना देखा ही नहीं। देखिए यहां पे बड़ा मजेदार है इस वीडियो में, उन्होंने बहुत अच्छा बताया। हाँ, ये भी बड़ी मजेदार है। भी सपोर्टर्स ने पहले दंगा किया, हाँ, उन सबको पकड़ लिया मिलिट्री ने, जो पुलिस ने या मिलिट्री ने, उनको एक एक करके पकड़ा उनका। उसके उनको मैसेज पड़ा कि अगर हम मेन सपोर्टर हैं इमरान खान के तो हम भी जेल जाएंगे, जैसे
इमरान खान गए सब डर गए हैं। ये इतने महीने तक जो चुप बैठी हुई थी ना मिलिट्री, हम बोल रहे थे एक्शन नहीं क्यों नहीं ले रही, वो ये एक्शन ले रही थी कि एक एक को पकड़ के उनको सीधा करती, कईयों को जेलों में डाला, कईयों को डंडों से सिखा के घर भेज दिया होगा, सबके अंदर डर बिठा दिया था। उसके बाद जब सब दिख गया कि अब ये डर गए हैं, पीटीआई के जो पॉलिटिशियंस हैं सब भाग गए हैं छोड़ छाड़ के, उसके बाद उन्होंने फिर से जो है इमरान खान को पकड़ा कि भैया अब पकड़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। ये स्ट्रेटजी बनाई थी कि पहले आप एक बंदे को अरेस्ट करो, वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है, जो भी कोर्ट में जाता है वहां से अगर छुड़ा लेता अपने आप को तो किसी और ऑफेंस में फिर पकड़ लो। ये उनकी टेक्निक थी कि उनके पास हर बंदे के अगेंस्ट इतने सारे ऑफेंसेस थे, पहले एक से पकड़ा, जैसे ही वो उसे छूटा दूसरे से पकड़ लो, अब वो यूं ही लगा रहेगा तीसरा चौथा पांचवा छठा। पर यार वो ऑफेंस क्या अजीब सा था, वो कह रहे थे टूटी बाथरूम से निकाल ली बिजली की तार, मैं तो इतनी हैरान हो रही थी। इमीडिएटली वो जेल जाएगा, जेल से फिर उसको बेल नहीं होगी, फिर जो भी है लगता रहेगा तो फिर अरेस्ट करते रहेंगे। तो उन्होंने एक सिस्टम बना दिया था अपनी कंट्री में कैसे लोगों को परेशान करना, ये लोग कैसे पॉलिटिशियन बनेंगे यार। जैसे वो डायलॉग है, तू क्या पॉलिटिशियन बनेगा यार, तू क्या चोर बनेगा। देखिए मगर एंड ऑफ द डे हो ये रहा है कि डायनेस्टी वालों ने कब्जा कर लिया है कि दोबारा डायनेस्टी वाले आ जाएं। इमरान खान डायनेस्टी वाला नहीं था, उसको तो कर दिया। अल्टीमेटली डायनेस्टी वालों ने ये दिखाया कि भैया हम तो डायनेस्टी वाले हैं, बड़े पावरफुल हैं, हमारे बाप दादा चले आ रहे हैं तो हम डायनेस्टी वाले लोग ही रूल करेंगे। और अब जो है उनकी मिलिट्री पिक करेगी जो जो इलेक्शंस में आ रहे हैं कि किसको साथ देना है और उसको बना दे, जो उन्होंने डिसाइड कर लेना है किसको बनाना है और वही बनेगा। देखते हैं किसको डिसाइड किया हुआ इन्होंने पहले से कि किसको बनाना है ये। तो चलो फ्रेंड्स शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।